हे गाइस, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का फोर्थ पार्ट और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। लेक्चर की शुरुआत करेंगे आज की एस्ट्रोनॉमी पिक्चर से। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इमेजेस इतना कुछ बताती है कि इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं आज की एस्ट्रोनॉमी पिक्चर को। क्या इस विशाल यूनिवर्स के अन्य सितारों में हमारे सूरज जैसे ग्रह है? और है तो क्या उन ग्रहों पे सजीव वास करते हैं? ऐसे प्रश्न बहुत सालों से हमारे दिमाग में गूंज रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जो सबूत दिए हैं, उनसे यही पता चलता है कि ब्रह्मांड में ऐसे बहुत स्टार्स हैं जिनके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं। स्टार के गुरुत्वीय कक्षा में प्लैनेट घूम रहे हैं कि नहीं, ये पता चलता है उस स्टार से आने वाली लाइट में बदलाव से। यदि कौन सा भी स्टार अपनी लाइट में थोड़ा सा भी बदलाव दे रहा है तो उस स्टार के इर्द गिर्द प्लैनेट्स होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके पहले ऐसी कोई स्टार प्लैनेट सिस्टम हम नहीं देख पाए थे, लेकिन हाल ही में और पहली बार ग्रहों की एक जोड़ी को सीधे सूर्य जैसे तारे के इर्द गिर्द घूमते हुए चित्रित किया गया है। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स को एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। इस इमेज में एरो से दिखाए हुए दो एक्सोप्लैनेट्स TYC-8998-7601 नामक स्टार के चक्कर काट रहे हैं। हमारे 500 करोड़ साल पुराने सूरज की तुलना में ये स्टार बहुत ही तरुण है। ये सिर्फ 1.7 करोड़ साल पुराना है। इस सितारे का वस्तुमान हमारे सूरज जितना ही एस्टिमेट किया गया है। स्टार की कक्षा में घूमने वाले दो एक्सोप्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट से बहुत ही बड़े हैं और बहुत दूर से अपने पैरेंट स्टार का चक्कर काट रहे हैं। सितारे से नजदीक वाला एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 4450 गुना मैसिव है। वो पृथ्वी और सूरज के बीच के अंतर के 162 गुना ज्यादा अंतर से अपने पैरेंट स्टार का चक्कर काट रहा है। दूसरा एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 1600 गुना मैसिव है और वो पृथ्वी और सूरज के बीच के अंतर के 320 गुना ज्यादा अंतर से अपने पैरेंट स्टार का चक्कर काट रहा है। ये एक्सोप्लैनेट्स यूरोपियन स्पेस एजेंसी के चिली देश में स्थित वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने कैप्चर किए हैं। हमसे 310 प्रकाश वर्ष दूर मुस्का कॉन्स्टेलेशन में ली गई ये इमेज इन प्लैनेट्स पे क्या कोई जीवन है ये तो नहीं बता सकती, लेकिन जिस तरह से विज्ञान प्रगति कर रहा है, आशा है कि जल्द ही हम ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की सीधी सतह की इमेज ले पाएंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। तो समझिए, ऐसा कौन सा भी ऑब्जेक्ट जो हवा में ट्रैवल कर रहा हो, हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है उस ऑब्जेक्ट को और वो हवा में ट्रैवल कर रहा है, तो वो जो मोशन रहती है उस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बहुत ही सिंपल है प्रोजेक्टाइल मोशन समझने में। बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बोल सकते हैं हम उसको, जैसे कि क्रिकेट में जो बाउंड्री पे प्लेयर रहते हैं वो क्या करते हैं, थ्रो करते हैं बॉलर की तरफ। तो वो जो थ्रो होता है उसमें बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैवल कर रहा होता है। और कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, तो वो पत्थर जो है वो बच्चे कुछ वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो पत्थर है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैवल करते हैं। ऑफकोर्स वो पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहेगी, लेकिन वो जो कुछ भी ट्रैवल करेगा पत्थर, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक पार्ट रहेगा। और कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि बंदूक में से गोली निकलती है तो वो जो गोली है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ट्रैवल करती है, तो वो भी एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। यदि ऐसी किसी जगह पे जाए हम जहाँ पे ग्रेविटी ना हो, तो ऑफकोर्स वहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे कि हम कह सकते हैं स्पेस में, स्पेस में क्या होता है, ग्रेविटी नहीं होती है, तो ऑफकोर्स हम जो भी कुछ ऑब्जेक्ट फेंकते हैं किसी भी डायरेक्शन में फेंकते हैं तो उसी डायरेक्शन में वो ट्रैवल करता रहता है। कहने का मतलब ये है कि स्पेस में प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो एग्जिस्ट कर सकती है ऐसे जगह पे जहाँ पे ग्रेविटी एग्जिस्ट करती हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है हमने ओ पॉइंट से फेंका है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसकी जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ उसने थीटा इतना एंगल बनाया। ये जो यू है, यू क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है
ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ कोर्स ये यू बार रहेगी और इसका जो एंगल है विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये थीटा है। अब देखिए ये जो यू है हम यहाँ पे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे यू, और ये जो यू है नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी, इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा यू एक्स और वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा यू वाई। तो ये जो यू एक्स है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ये यू वाई जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है नहीं, इसका मतलब ये जो यू एक्स है वो क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी राइट। और वर्टिकल डायरेक्शन में देख सकते हैं आप जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो काम करता है, तो ये जो यू वाई रहेगी वो टाइम टू टाइम बदलती जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे वो मैक्सिमम रहेगी और ये ऑब्जेक्ट ऊपर ऊपर जा रहा है वो जो वेलोसिटी है यू वाई नथिंग बट वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वो कम कम होती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उस वक्त वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से स्टॉप होगा और वहाँ पे जो यू वाई है वो क्या होगी जीरो होगी राइट। लेकिन यू एक्स उतनी ही रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है जीरो है राइट। इस वजह से जो वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कांस्टेंट होती है। और यहाँ से अब वो जो ऑब्जेक्ट है नीचे आने लगेगा, नीचे आते वक्त अगेन उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। आपको पता है कि फ्री फॉल की कंडीशन क्या होती है, फ्री फॉल में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर हाइट से ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं, हम उसको फेंकते नहीं है जस्ट छोड़ते हैं, तभी भी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है जी राइट। यहाँ पे जी इतना एक्सेलरेशन है उसको हम ए वाई भी कह सकते हैं, ए वाई इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। यदि ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन रहेगा माइनस जी, और यदि वो नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन रहेगा प्लस जी क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जो मोशन होती है उसमें निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और बिकॉज ऑफ ग्रेविटी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जब कोई मोशन होती है तो उसमें होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन काम करेगा और ये अगेन जो यू वाई है ये बढ़ती जाएगी और ये एक पॉइंट है जहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट है फिर एक बार जमीन को टच करेगा। इस वक्त जो वेलोसिटी रहेगी यू वाई वो कितनी रहेगी इनिशियल वेलोसिटी जितनी रहेगी। मेरा कहने का मतलब है यू वाई जो है ये पी पोजीशन पे है, ये जो यू वाई है कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन ये टाइम टू टाइम चेंज होगा। यहाँ पे देखिए हमने वी वाई बोला है उसको, यहाँ पे भी हम वी वाई बोल रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट है बी, यहाँ पे पॉइंट ए, ए और बी पॉइंट्स ए इंटरमीडिएट पॉइंट्स है, पी पॉइंट जो है वो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, और क्यू पॉइंट जो है वो है जो ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन में उसने ट्रैवल किया है वो टच कर रहा है जमीन पे, वो जो पॉइंट है उसको हम बोल रहे हैं क्यू पॉइंट। और यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो यू एक्स कॉम्पोनेंट है हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। ये कॉन्स्टेंट क्यों नहीं रहता है क्योंकि ये जो एक फैक्टर है एयर रेजिस्टेंस, तो ऑफ कोर्स हवा की डायरेक्शन रहने दो या तो फिर एयर पार्टिकल्स का रेजिस्टेंस रहने दो, इन दोनों चीज़ों की वजह से वो जो यू एक्स कॉम्पोनेंट है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो कम होता जाता है, लेकिन थियोरेटिकली हम उसको कांस्टेंट ट्रीट करने वाले हैं। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा यू एक्स विल बी यू कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या होगा यू साइन थीटा। आफ्टर एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम समझो हमें वेलोसिटी निकालनी हो उस ऑब्जेक्ट की इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो क्या होगी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं, वो कितनी रहेगी यू कॉस थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में यदि हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो हमें एक इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो ये जो इक्वेशन है हम इस केस में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो v होती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी, समझो फाइनल वेलोसिटी है vy, समझो इस a पॉइंट पे हमें निकालनी हो वो वेलोसिटी, vy इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी uy, वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है ये uy है, और ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है निगेटिव g है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है वो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब वो निगेटिव रहेगा, माइनस जी ये टी एज इट इज। तो ये जो इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई का इक्वेशन क्या है यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा
सो यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन से हमें कौन से भी इंस्टेंस पे वर्टिकल वेलोसिटी मिल जाएगी वो ऑब्जेक्ट की। और समझो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो कैसे लिख सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन हम रख दे तो एस एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज यू एक्स इंटू टी प्लस जीरो, क्योंकि ए क्या है, जीरो है, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, ये इक्वेशन मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट का इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो एस वाई विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट रहेगी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो आई होप गाइज कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके इनिशियल वेलोसिटीज इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन क्या होते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद एट एनी इंस्टेंस जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, और एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में और एक बात हमें देखनी है, वो क्या है कि डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है प्रोजेक्टाइल की ये बदलती रहती है। देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये है थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखिए ये जो वी है वो रिजल्टेंट है इन दोनों वेलोसिटीज का, मतलब ये जो एंगल होगा वो डिफरेंट होगा इस थीटा से। यहाँ पे देखिए ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये जीरो एंगल हो गया, यहाँ पे निगेटिव एंगल बन जाएगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम क्लॉकवाइज गए तो एंगल क्या होता है, निगेटिव होता है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज गए तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे वो निगेटिव बन रहा है, यहाँ पे वो पॉजिटिव था मैक्सिमम हाइट की पोजीशन पे जाने तक, और यहाँ पे वो जीरो था। इसका मतलब एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम वो जो एंगल है, एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वो बदलता रहता है। और उसका एक फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, टैन ऑफ अल्फा, इसको हम बोलते हैं स्लोप भी। इस कर्व को किसी भी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उसका स्लोप निकालते हैं, तो वो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, ये क्या होती है, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। और हम यहाँ पे एक काम करेंगे, डेल्टा y अपॉन t इंटू टी, और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा x अपॉन t इंटू टी। ओके, तो ये डेल्टा वाई अपॉन टी क्या है, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये होगी वी वाई इंटू टी, और ये डेल्टा एक्स अपॉन टी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एक्स डायरेक्शन, वो क्या होगी, वी एक्स इंटू टी। ये जो टैन अल्फा है, ये टैन अल्फा क्या बन जाता है, वी वाई इंटू टी डिवाइडेड बाय वी एक्स इंटू टी। तो इस टैन अल्फा को हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, टैन अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, तो अल्फा क्या बन जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स। अब देखिए ये जो वी एक्स है, वी एक्स क्या है, द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम। और ये वी एक्स क्या है, वी एक्स है हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम। उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ये जो रेशियो है वेलोसिटीज का, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटीज का रेशियो, इसका जो टैन इनवर्स होगा वो देगा हमें एंगल ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल मोशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, और इसको बोलते हैं हम डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम। तो अब हम देखेंगे गाइस कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होता है। यहाँ पे आप बारीकी से देखेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगी कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये सिमेट्रिक है। ये जो पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी से जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन के दोनों तरफ जो मोशन है वो सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या है कि ओ पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा, समझो ये टाइम है टी जीरो, उतना ही टाइम लगेगा पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक जाने के लिए, मतलब टी जीरो। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, टू इंटू
टी जीरो। अब ये टी जीरो पहले हम निकालेंगे। ये टी जीरो कैसे निकाल सकते हैं हम? टी जीरो कैलकुलेट करने के लिए हम कंसिडर करेंगे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजिशन ओ टू पोजिशन पी। पोजिशन ओ से लेके पोजिशन पी तक ये ऑब्जेक्ट की मोशन हम कंसिडर करेंगे। इस मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू वाई है इनिशियल वेलोसिटी, और वो क्या होती है? यू साइन थीटा। और फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो रही है, राइट? तो हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट? तो यदि हम ये इक्वेशन इस केस में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सिर्फ मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। इसके जो नोटेशंस है वो जनरलाइज्ड है, और यहाँ पे इस केस के नोटेशन है। तो यू साइन थीटा इज द इनिशियल वेलोसिटी। एक्चुअली यू वाई लिख सकते थे हम यहाँ पे, मैंने डायरेक्टली यू साइन थीटा लिख दिया है, ओके? और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक वो जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? तो माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ पे टी क्या लेंगे हम? टी जीरो। इस केस में जो टाइम है वो क्या है? टी जीरो, क्योंकि ओ पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक जाने के लिए का टाइम कितना लगा है? टी जीरो। तो टी जीरो कैलकुलेट करना है हमें। टी जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टोटल टाइम जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं हम इसको, ये टाइम क्या रहेगा? टू इंटू टी जीरो विच विल बी इक्वल टू टू इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होती है। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट से उसने मोशन चालू की थी और आफ्टर सर्टन टाइम वो फिर एक बार ग्राउंड पे आ गया, वो जो मोशन थी उस मोशन के दौरान उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये जो आर है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये जो है वो जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये यदि हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो देखिए ओ पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एस की जगह पे आएगा आर। आर इज इक्वल टू यू टी। अब देखिए यू जो है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो यू एक्स रहेगा, और यू एक्स क्या होता है? यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे आएगा यू कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे क्या आएगा? ये जो टाइम है वो होगा टू इंटू टी जीरो, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम था टी जीरो था, और फिर पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक टाइम था टी जीरो। तो टू इंटू टी जीरो ये होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हम यहाँ पे टी भी लिख सकते थे क्योंकि टी इज इक्वल टू टू टी जीरो है। तो ये क्या आएगा? यू कॉस थीटा इंटू टू इंटू, ये टी जीरो जो है ये क्या है? ये हमने यहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये टी जीरो जो है वो क्या है? यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टी जीरो के जगह पे हम लिख सकते हैं यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये पूरा इक्वेशन क्या आएगा हॉरिजॉन्टल रेंज का? यू स्क्वेयर, ये टू भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अपॉन जी इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे और थोड़ी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए यू स्क्वेयर अपॉन जी यदि हमने लिख दिया साइड पे, और यहाँ पे टू अंदर ले गए हम, टू साइन थीटा कॉस थीटा लिखा यहाँ पे, तो और एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल सकता है हमें। यू स्क्वेयर अपॉन जी एज इट इज लिखूंगा मैं, ये जो है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है? साइन टू थीटा होता है, राइट? तो आर क्या मिलती है हमें? यू स्क्वेयर अपॉन जी इंटू साइन टू थीटा। ये साइन स्क्वेयर थीटा नहीं है, ये है साइन टू थीटा। और समझो हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, तो कौन से एंगल पे, कौन से एंगल से ये ऑब्जेक्ट हमें फेंकना चाहिए तब जाके हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। ये यदि कैलकुलेट करना हो तो साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? साइन टू थीटा शुड बी वन, और टू थीटा शुड बी 90, क्योंकि साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू वन, तो टू थीटा 90 होना चाहिए, और थीटा क्या होगा? 45 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है कि यदि 45 डिग्री एंगल पे हम कौन सा भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाती है,
राइट right. वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, आर मैक्स जो रहेगी वो क्या रहेगी, यू स्क्वेयर अपॉन जी। तो यहाँ पे और एक बात आपको समझनी चाहिए कि प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली एक फैक्टर रहेगा जिसको बोलते हैं हम एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उसकी वेलोसिटी कम कम होती चली जाएगी, और ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है वो इतनी नहीं मिलेगी हमें यू स्क्वेयर अपॉन जी। यू इतनी इनिशियल वेलोसिटी से हमने फेंका तो इसकी जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी इससे छोटी होगी वो, राइट। और एक बात हमें यहाँ पे देखनी है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होती है। अब देखिए, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर एक बार s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये जो जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब देखिए, हम ओ पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक ये जनरलाइज्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो ये वर्टिकल मोशन में ट्रैवल कर रहा है, उसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगी उसको हम बोलेंगे एच। तो एस की जगह पे क्या आएगा, एच इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू वाई, ये टी जीरो लेंगे हम क्योंकि ओ पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक जाने के लिए टाइम लगेगा टी जीरो, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक आने के लिए अगेन टी जीरो, सिर्फ हम टी जीरो लिखेंगे यहाँ पे, प्लस हाफ ये ए क्या रहेगा, ए रहेगा माइनस जी इंटू ये टी जीरो और उसका स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू यू वाई क्या होती है, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू ये टी क्या होता है, हमने अभी अभी देखा यू साइन थीटा अपॉन जी होता है वो, माइनस हाफ क्योंकि ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, हाफ जी और ये टी जीरो की जगह पे हम यू साइन थीटा अपॉन जी लिख देंगे, सो यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वेयर आ जाएगा। तो एच क्या मिल जाता है हमें, एच इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वेयर इंटू जी इंटू साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी स्क्वेयर आएगा। हम थोड़ा और एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे 2 भी रहेगा वो, तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी माइनस ये हाफ एज इट इज, यहाँ पे यू स्क्वेयर भी एज इट इज, ये जी है ये जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा एक जी। ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली इक्वल है, सिर्फ हमें क्या करना है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है, हाफ है यहाँ पे, तो हाफ यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी। तो ये इक्वेशन क्या देगा हमें, वर्टिकल हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और यदि हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए तो साइन स्क्वेयर थीटा कितना होना चाहिए, साइन स्क्वेयर थीटा शुड बी 1 एंड थीटा शुड बी 90 डिग्री अगेन। ओके, तो इस केस में यदि थीटा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम हाइट मिलेगी हमें, एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ट्वाइस जी, ये रहेगी मैक्सिमम हाइट। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकना चाहिए, मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में यदि हम कौन सा भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो वो मैक्सिमम हाइट रीच करता है, और उसका इक्वेशन क्या होता है, ये होता है। तो अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ए ऑब्जेक्ट हमने हवा में फेंक दिया है एट पर्टिकुलर एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर इक्वेशन यदि हमें निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वाई, इन दोनों के फॉर्म में वो इक्वेशन हमें निकालना पड़ेगा, राइट। तो वो इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम ये जो फैक्टर है इक्वेशन में से वो इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे एस एक्स से। एस एक्स क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसको हम सीधा एक्स बोलेंगे क्योंकि एक्स और वाई के फॉर्म में हमें इक्वेशन निकालना है, और यहाँ पे एस वाई जो रहेगी वो रहेगी वाई, राइट। ये जो एस एक्स है वो क्या होगा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ये यू एक्स क्या है आपको पता है, यू कॉस थीटा है इंटू टी इज इक्वल टू एस एक्स, तो इससे हमें टी का इक्वेशन मिल जाता है
एस एक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, राइट। और इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वर्टिकल डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो ये इक्वेशन क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, राइट। तो y इज इक्वल टू यू वाई क्या होता है, u साइन थीटा इंटू ये t क्या है, ये t का जो इक्वेशन है ये रख देंगे हम यहाँ पे, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g इंटू इस t की जगह पे हम क्या रख देंगे, x अपॉन u cos थीटा और इसका स्क्वेयर आएगा यहाँ पे। तो ये y क्या होगा, y इज इक्वल टू दिस यू यू विल गेट कैंसल, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो ये आएगा टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एज इट इज, यहाँ पे वन अपॉन यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा आएगा इंटू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, टैन थीटा इंटू एक्स माइनस ये जी अपॉन टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर, राइट। ये इक्वेशन जो है वो कौन से फॉर्म में है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है टैन थीटा और बी की वैल्यू है जी अपॉन टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, बट उसका साइन रहेगा माइनस। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या होता है, ये ए और ये बी होते हैं कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप टैन थीटा, टैन थीटा में ये जो थीटा है ये थीटा भी कॉन्स्टेंट है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए थीटा एक ही रहता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में हम फेंकते हैं, इसका मतलब टैन थीटा कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जी कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी कौन से भी प्रोजेक्टाइल मोशन की, और थीटा तो कांस्टेंट है ही, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट आएगी और टैन थीटा भी कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन हम सीधे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो इक्वेशन होता है ये इक्वेशन होता है पैराबोला का, राइट। ये इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रैजेक्टरी होती है वो होती है पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। यदि ये लेक्चर सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाइए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।